स्पष्ट करेंगे। सचिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, चुनाव है, उपचुनाव है, क्या समस्याएं दिखाई पड़ती है गांव में और क्षेत्र में आपके दृष्टिकोण से? गांव में क्षेत्र में तो बहुत सी समस्या है, इस समस्या को जो सॉल्व करेगा इस गांव की जनता उसी को वोट देंगे और उसी के साथ रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है किसको चुनकर देना चाहिए? सर जी, कैसा अपनी राय अलग अलग है, किसकी किस्मत जानती है हमें बताएं। लेकिन समर्थन कर गाँव का विकास के लिए पाएंगे, अच्छी भी कहना अपेक्षा करो। नमस्कार, फच 24 में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कई जगह भागों पर स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इसी के तहत नागपुर जिले के कुछ सीटों पर भी उपचुनाव होगा, जिसके लिए भी 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है। गोथिया पालोरा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता भी इस चुनाव में सम्मिलित होंगे, इसके लिए भी 5 अक्टूबर को मतदान होगा। और इसी के तहत हम क्षेत्र के मतदाताओं की राय जानने के लिए इस चुनाव में उनका क्या दृष्टिकोण है और जो चुनकर उम्मीदवार जाएंगे उनसे इन क्षेत्र की जनता को क्या अपेक्षा रहेगी, क्या आशाएं रहेगी, यह जानने के लिए आज गोथिया पालोरा निर्वाचन क्षेत्र के हिवरा बाजार गाँव में पहुँचे हैं। और हम जनता जनार्दन से जानना चाहेंगे कि जो उम्मीदवार चुन के जाएंगे तथा फिलहाल के चुनाव के संदर्भ में उनका क्या दृष्टिकोण है? जे भी कोणते लीडर चुनून येतील त्यांना गोर गरिबाची पूर्ण मदत करावी, ना त्यांना आपला समर्थन करून ह्या गावाचा विकास केला पाहिजे अशी मी त्यांना अपेक्षा करतो। फिलहाल जो क्षेत्र की या गांव की समस्या है, वैसी कुछ समस्या दिखाई पड़ती है? हाँ बिल्कुल, अभी 2 साल से हमारे यहाँ बोनस नहीं मिला है पत्ते का, किसी लोगों की समस्या है गोर गरीब की, किसी को घर कुल नहीं मिल रहा है, किसी के दीवाले गिर रही है, उनको कोई ग्राम पंचायत या तहसील लेवल से कुछ ये नहीं मिल रहा है फंड, वो मिलने के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ जो भी उम्मीदवार जाए अपना। यानी आपका कहना है कि उनके चाहे जो भी जाए, हाँ, लेकिन जन समस्याएं जो है उनका निवारण करना चाहिए। तो इस संदर्भ में आपकी यही आशा है कि यही आशा है अपनी हिवरा बाजार से, यही अपेक्षा करता हूँ मैं कि सब गोर गरीब उनको अपना अपना रोजगार मिले और सामने वाले व्यक्ति का जो भी चुन के आए वो आगे बढ़े, मैं ये चाहता हूँ। हम और भी कुछ लोगों की क्या मनस्थिति है और वे इस चुनाव को किस दृष्टिकोण में देखते हैं ये जानना चाहेंगे। हमारे साथ हिवरा गांव के सचिन जायसवाल जी भी हैं, जो इस चुनाव के संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। सचिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, क्या समस्याएं दिखाई पड़ती है गांव में और क्षेत्र में आपके दृष्टिकोण से? गांव में क्षेत्र में तो बहुत सी समस्या है, इस समस्या को जो सॉल्व करेगा इस गांव की जनता उसी को वोट देंगी और उसी के साथ रहेंगी। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जिनको आप फच 24 में बताना चाहेंगे? समस्या तो बहुत सारी है, जैसे रोजी हो, लोगों को रोजगार, और बहुत सी सुविधा जैसे नाली हो गई, बहुत सी यानी यहाँ पे खामियाँ है इस गांव में और इस क्षेत्र में, कोई सुनने वाला उसका कोई है नहीं। जैसे धान का जब हुआ था, अच्छा, वहाँ पे कोई लेने यानी भाव उचित भाव नहीं मिल रहा था, रखने के लिए बराबर जगह नहीं, और लोगों का नंबर बराबर व्यवस्थित नहीं लग रहा था, ये सारी समस्या है। ओ, ये बुनियादी समस्या अभी भी है इतने वर्ष होने के बाद भी? ये तो है और रहेंगी भी। कोई अच्छा नेता, इसलिए हम लोग ये इस चुनाव के मार्फत हम अच्छा नेता इसलिए ढूंढ रहे हैं, अगर कोई अच्छा नेता मिले, अपना पूरा अपना समय दे हमको, तो हम उसके साथ रहेंगे। अभी बहुत से उम्मीदवार निकल चुके हैं मैदान में, अपनी अपनी तौर से वे प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस उम्मीदवार का पलड़ा आपको भारी दिखाई पड़ रहा है आपके दृष्टिकोण से? अभी तो मैदान में सभी है, अभी किसी के इसमें नहीं बोल सकते, लेकिन जो लोगों के लिए लड़ेगा यहाँ की जनता उसी के साथ रहेंगी। आखिरी सवाल, जो चुनकर कोई भी पार्टी का उम्मीदवार जाए या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जाए, जो भी चुनकर जाएगा, तो इस बार
उप जनप्रतिनिधि से आप क्या आशा आकांक्षाएं रखते हैं गांव के नागरिक के नाते? गांव के नागरिक के नाते मैं यही आशा रखता हूं उनसे कि जो भी पब्लिक की जो भी है ना ये हो गरज, कुछ है ना ऑफिशियल वर्क हो या कुछ ऐसा बाहर का कुछ काम हो तो वो उनको है ना साथ में लेके काम करे, उनको है ना विकास करे, गांव का विकास करे, एक क्षेत्र का विकास करे। बस हम उम्मीदवार तो खड़े हैं, हम उनकी उम्मीद से उनके तरफ देख रहे हैं कि हमारा विकास करे, हम उसी आदमी को आगे बढ़ाएंगे। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी पार्टी का उम्मीदवार चुन करके जिला परिषद के सभागृह में पहुँचे, लेकिन जो इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षेत्र के कई गाँव में बहुत ही गंभीर स्वरूप की कुछ जन समस्याएं दिखाई पड़ती है। सचिन जी ने बताया कि नाली की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं वो जनप्रतिनिधि ने दूर करना चाहिए और लोक हित के दृष्टि से काम करना चाहिए, ऐसा गांव वालों का कहना है। अभी हमारे साथ और कुछ लोग हैं जो इस संदर्भ में हमें बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? किशोर पटोड़े। किशोर जी, चुनाव है और सभी पार्टी के उम्मीदवार प्रचार में निकल चुके हैं, तो कई उम्मीदवार आएंगे लेकिन एक ही उम्मीदवार जीतते जाएगा, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं ये अपेक्षा करूँगा कि वो आने वाले दिनों में कुछ अच्छे काम करें। ऐसे बहुत से नेता आ गए लेकिन लोगों यानी बोलते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते, बेचारे खाली हाथ वापस आते हैं। कि सर मैं उनसे अपेक्षा करूँगा वो उम्मीदवारों से कि वो लोगों का काम करें और अच्छी तरह से उनकी यानी को आता है काम का जिनको पूरा करें। जनता की राय जानते जानते फर्स्ट 24 पहुँचा है पौनी गाँव में। पौनी में भी हम लोगों से चुनाव के संदर्भ में कुछ जानना चाहेंगे और हमारे साथ पौनी गांव के कुछ लोग भी हैं जो उनकी क्या इच्छा है और क्या अपेक्षाएं हैं यह फर्स्ट 24 के माध्यम से बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र बोरीकर। बोरीकर जी, चुनाव हैं और चुनाव हमारे देश में होते रहते हैं, है ना? तो बोथिया पालोरा निर्वाचन क्षेत्र में पौनी गांव भी आता है, जिला पंचायत का चुनाव। सारे उम्मीदवार निकल चुके हैं प्रचार में, तो आप जो चुनकर जाएगा उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? सर जी ऐसी बात है, हमारे यहाँ से चुनाव में तो कम से कम 9 जन खड़े हैं, कुछ क्या बोलते हैं कांग्रेस से, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस से, कोई शिवसेना से, कोई बीजेपी से है, कोई अदर वाले भी है स्वतंत्र उम्मीदवार, ऐसे मिला के 9 जन खड़े हैं हमारे यहाँ से जिला परिषद में। हाँ, जिला परिषद का है चुनाव। और क्या बोलते लोगों की अब अपेक्षा देखो क्या होती क्या नहीं, अब किसको चुन के देते, अब कांटे की चक्कर किस में है, अब ये आने वाला समय ही बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है किसको चुन कर देना चाहिए? अब सर जी कैसा है, सबकी राय अलग अलग है, अब किसकी किस्मत जागती है ये तो समय बताएंगे, है कि नहीं? मतलब अभी किसका पलटा भारी है आप नहीं बता पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा है देखो सर जी, अब सभी लोग जुड़े हुए हैं मेहनत करने के लिए, अब किसका पड्डा भारी होता है ये 6 तारीख को पता ही चल जाएगा। फ़ायदा उस चीज़ में नहीं तो कोई मतलब नहीं, चुनाव आते हैं जाते हैं, ऐसे तो 5 साल में आते भी है चुनाव और जाते भी, हमेशा का ही है। मतलब काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास की गति पकड़ना चाहिए, तो कोई बात को मजा। चाहे कोई भी पार्टी का उम्मीदवार जीत करके जाए लेकिन जो जन समस्याएँ हैं लोगों से, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी जो समस्याएँ उनको दूर करना चाहिए, लोक हित के दृष्टिकोण से एक जनप्रति के नाते काम करना चाहिए। बोरकर जी का भी यही कहना है और अमूमन सभी लोगों का यही कहना है, यही अपेक्षा है कि चुनकर जाने के बाद जनप्रतिनिधि काम करना चाहिए। फट 24 के लिए कैमरामैन राम कोटवते के साथ उमेश फुलबेल, नागपुर।